सब्सक्राइब और लाइक करोगे ना? जंकू, हमें उनके लिए क्या तोहफा खरीदना चाहिए? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे कुल्लू रानी को कौन सा तोहफा देना चाहिए? तुझे क्या लगता है, क्या उनको हमारा तोहफा पसंद आएगा? चल जल्दी से चल, सबको वहाँ पर आ गए होंगे। और रात को ये दोनों हम दोनों को गिफ्ट देंगे। ओ जी, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लाए हो ना? ये लो कुल्लू रानी, ये तुम्हारे लिए। जरा देखो तो इसमें क्या है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा चॉकलेट लिया है। ओ जी, इसके बाद आप मुझे तोहफा देना। जंकुक, मुझे तुम्हारा तोहफा बहुत ही पसंद आया। ये लो कुड़ी। वाह, ये आइसक्रीम दिखने में तो कितना अच्छा लग रहा है। इन्होंने मुझे एक खत भी लिखा है। अब बारी है मम्मी और भाभी का। अभी मैं जंकू को गिफ्ट लाती हूँ। कोई हम जैसे सिंगल लोगों को भी तोहफा दे दो। ये लो जंकू, शायद ये तोहफा तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे मेरी कुल्लू रानी ने तोहफा दिया। भाभी, आप मुझसे शादी कर लो और मुझे भी तोहफा दो। इसमें क्या है? कुछ बहुत ही अच्छा सा खुल गया। ऐसा अनोखा तोहफा तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह, कितना आरामदायक तोहफा है। अब देखते हैं मम्मी पापा को क्या तोहफा देती है। मेरा तोहफा भी आपको बहुत पसंद आएगा। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। जरा देखो तो इसमें क्या है? पापा, मुझे भी कोई गिफ्ट दे दो। जरा देखो तो मुझे क्या तोहफा मिला है। तुमने मुझे गले का हार दिया है। हाँ, ये तो कितना अच्छा गिफ्ट है। ये बच्चों वाला आरजी दिया है तुमने मुझे। ओहो पापा, रुको, मैं ही आपको ये पहना देता हूँ। ये तो आप पर बहुत ही सूट कर रहा है। अब मैं हुए इतना हैंडसम? आप तो इन तोहफे में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तुम्हारा शुक्रिया कुड़ी, और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो आज का एपिसोड खत्म करें। आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस।